नमस्कार दोस्तों मैं आपका जी सिंह हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो यहां पर आप देखते हो शोक लेलैंड की जो गाड़ी हमारे पास बन रही है हरियाणा की गाड़ी है और बॉडी का काम हो चुका है कैबिन का काम चल रहा है और इस गाड़ी में आप देखते हो बॉडी का काम कैसे हुआ है सारी जो है मटीरियल आपको दिखा रहे हैं और बने रही है वीडियो के साथ और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर फ़ेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए काम कैसा लग रहा है अगर यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और गाड़ी में आपको काम बताएंगे बॉडी का काम कैसे हुआ है अगर आप गाड़ी का ऑर्डर देना चाहते हो और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर मेंशन कर दिया जाएगा वहाँ पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे पास जो है गाड़ी बुक करवा सकते हो और किसी भी गाड़ी का मॉडल बनवाने के लिए कोई भी डिज़ाइन गाड़ी में जो डालना हो वो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से जो है सारा काम किया जाता है और यहाँ पर आप देखते हो अशोक लेलैंड की गाड़ी जो है हमने कलर पेंट कर दिया है डैशबोर्ड और साइड पे जो है बन रही है अठाईस अट्ठारह गाड़ी जो है वो अपने जम्मू कश्मीर की है गाड़ी मनदीप सिंह जी जो है कस्टमर का नेम है और यहाँ पर जो है शोपेंट हो चुका है गाड़ी का उस गाड़ी का भी जो है शो पेंट चेंज किया जाएगा और कैबिन का काम आप देखते हो सारा जो है यहाँ पर आप देखते हो मगराठ का, का काम हमने निकाल दिया है टाटा के जैसा जो है काम हो रहा है गाड़ी का जो ओपन जो है विंडो का काम होगा और साथ में जो है मेन खास मैं बात बताना चाहता हूँ कि गाड़ी में हम जो है ब्लूटूथ सिस्टम की जो है हम जो हम मैं आपको जो है करवाने वाला हूँ यहाँ पर आप देखते हो ब्लूटूथ सिस्टम जो ऊपर लगा हुआ है और ऊपर आप देखते हो ब्लूटूथ सिस्टम की सारी सेटिंग की गई है बहुत बारीकी के साथ जो है सारा ब्लूटूथ सिस्टम जो लगाया गया है यहाँ पर आप देखते वायरिंग का काम जो है पूरी फिनिशिंग के साथ किया गया है कि ता जो है वायरिंग जो है शो ना हो सके कैबिन में कहीं भी और स्पीकर जो है गाड़ी के बोनट में जो है हमने वहाँ काम जो है करवाया है बोनट में यहाँ पर आप देखते हो स्पीकर का काम और सारा जो है डैशबोर्ड चेंज किया गया है यहाँ पर आप देखते हो और ये रहा सर्कट का सिस्टम सारा और ब्लूटूथ सिस्टम जो है सॉन्ग्स के साथ आपको जो है गाड़ी में हम लगा कर देंगे स्पीकर की जो है ऑप्शन साथ में है और बॉडी का काम आपको दिखाते हैं और यहाँ पर आप देखते हो बॉडी का काम जो है सारा नौ बत्तों में जो है गाड़ी की बॉडी जो है बनाई गई है शोक ले लैंड की जो है सोलह अट्ठारह गाड़ी जो है बना रहे हैं और यहाँ पर आप देखते हो डीजल टैंक के ऊपर जो है सारी जो है फाइबर की पत्ती लगाई गई यहाँ पर रेडियम का काम किया जाए दिल्ली जाला जो है बनाया गया है और डबल एंगल आप सकते हो मेन एक्सल के पीछे और आगे जो है दिया गया है और एंगलों का काम आप देख सकते हो फाइबरिक जो है हो रखा है और गाड़ी को बुक करवाने के लिए आप हमारे जो है नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो हर गाड़ी का तो काम जो है पूरी मजबूती के साथ होता है कई कस्टमर पूछते हैं गाड़ी टूट फूट के तो नहीं जाएगी तो कोई भी जो है कंप्लेन नहीं आने वाली क्योंकि गाड़ी का मजबूत सारा काम किया गया है लकड़ी के साथ जहाँ लकड़ी का काम का है वहाँ लकड़ी का काम किया गया है जहाँ फाइब्रिक काम है वहाँ जो है फाइब्रिक काम होता है ठीक है ऊपर अवधि जैसे लकड़ी का काम किया गया है पूरी लरवों का सफाई के साथ काम किया है तीन बत्तों में जो है बॉडी बनी है एक दो तीन तीन बत्तों में जो है गाड़ी की बॉडी तैयार की गई है और पीछे के आप देखते हो चार जो एंगल पीछे दिए गए हैं और दिल्ली जाड़ा साथ में और यहाँ पर आप देव मोवेबल जो है मगराड़ छः चक्का गाड़ी है और ये विदाउट पेंट जो है आपको वर्क दिखा रहे हैं और अगले टाइम में जो है गाड़ी का पेंट भी आपको दिखाते हैं इसी वीडियो में जो है बने रही वीडियो के साथ उसमें जो है प्राइमर का, का काम आपको दिखाएंगे प्राइमर का, का काम कैसे हुआ है ब्लूटूथ सिस्टम की बात करूं तो वहां पर जो है ऊपर जो यहां पर ड्राइवर के जो है कपड़ा वगैरह जो है रखते हैं वहां पर हमने जो है ब्लूटूथ सिस्टम की जो है ऑप्शन दी गई है और यहाँ पर जो है छत बन जाएगी ऊपर जो है गलों का काम हो जाएगा तभी ये पूरा जो है फिनिशिंग आ जाएगी गाड़ी में जो है सुंदर दिखेगा ऐसे जो है ऊपर ओपन है और थोड़ा बुरा लग रहा है तब जो है कवर हो जाएगा गाड़ी का काम और पूरी जो है सुरंद बॉडी में हम गाड़ी बनाएंगे ओपन विंडो होगी गाड़ी की और पैक की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हो जाली का काम जो है लाइटों के ऊपर किया गया है नीचे पर आप देखते हो और लकड़ी के जो बत्ते लगाए गए हैं कब्जे आप देखते हो पूरी जो है सफाई के साथ सारा काम किया गया है मजबूती के साथ काम होता है यहाँ पर आप देखते हो संगल का, का काम जो है छोटा छोटा काम बहुत बारीकी के साथ होता है और अंदर आप देखते हो फर्श का काम जो है लकड़ी के साथ किया गया है और शीट जो है साइड चादर वो भी फाइबर की यूज़ की हुई है ऊपर लकड़ी का काम आप देखते हो पूरी सफाई के साथ जो है सारा काम किया जाता है और फट्टे जो है वहां पर सामने जो रखे हुए पांच जो है फटे पीछे की तरफ लगाए गए हैं यहाँ पर आप देखते हो कंडक्टर साइड जो है वही काम सेम आपको मिलने वाला है तीन बत्तों पर का, का काम किया गया है और का काम आते पूरी मजबूती के साथ किया जाता है मेन एक्सल के आगे और पीछे जो है डबल एंगल किया गया है दिल्ली जाले का काम आता है टूल बॉक्स यहाँ पर आ जाता है नौ बत्तों के ऊपर जो है बॉडी बनाई गई है और यहाँ पर आप देखते हो मूवेबल जो है मगराड कोई भी आप हमारे कॉम्पिटिटर्स का काम देखोगे तो वहाँ पर आपको ऐसा मजबूत काम नहीं मिलने वाला गुरुवार ट्रक मॉडल पर आपको जो है सारा मजबूत काम दिया जाता है सारी फिनिशिंग के साथ जैसा भी काम हम करवा रहे हैं सारा मजबूत काम होता है लकड़ी का जो है सारा मजबूत काम दिया जाता है तो यहाँ पर आप देखते हो नीचे बत्तों का काम जो है लकड़ी का किया हुआ है और स्पे टायर जो है यहाँ पर कंडक्टर साइड में दी जाती है शोकले लैंड में वैसे जो शोकले लैंड कंपनी जो है पीछे की तरफ देती है लेकिन खोलने में दिक्कत होती है यहाँ पर आप देते हो साइड पे जो है आसान हो जाता है और पीछे भी जो है दिल्ली जड़ा लगाया गया है और ये था जी वीडियो का जो हम दिखा रहे हैं विदाउट पेंट और इसी वीडियो के पार्ट में हम जो है पेंट आपको प्राइमर का जो है वीडियो दिखाने वाले हैं और ब्लूटूथ सिस्टम की बात करूं तो यहां पर हमने ऑप्शन दी है अडेप्टर साथ में आता है और वो हम लगा कर जो है साथ में म्यूजिक जो है लगा सकते हैं और यहां पर आप देखते हो ब्लूटूथ सिस्टम का जो अडेप्टर है वो हम यहां पर जो है ऑप्शन साइड पे निकाल दी है और ये हम अटैच करेंगे तो ब्लूटूथ सिस्टम जो है ओपन हो जाता है ठीक है जी और उसके बाद जो है हम सर्किट की बात करें तो बीच में जो है सीटों के नीचे जो है सर्किट आ जाएगा और यहाँ पर टाटा का जो है काम हो रहा है दूसरे जो मगराड़ निकाल दिए वो इसी निकाले गए हैं क्योंकि जब डैशबोर्ड जो है शोकले लंड कंपनी का डैशबोर्ड के साथ काम करेंगे तो स्पीकर की सेटिंग नहीं हो पाएगी ना सर्किट की सेटिंग हो पाएगी और ऊपर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए हमने जो है लेलैंड का जो भी जितना भी डैशबोर्ड है वो निकाल कर टाटा में काम किया हुआ है तो बाकी जो डैशबोर्ड सामने से है वो शोक लेलैंड का ही रहेगा साइड जो प्रोफाइल है वो हमने निकाल कर टाटा की जो है यूज़ की हुई है और वैसा काम टाटा का जैसे करते हैं वैसा ही काम किया हुआ है बाकी जो है सेम ही रहेगा और कैबिन आप देखते हो अंदर से जो है फ्लार का जो है सनमाई का यूज़ किया गया है ऊपर आप देखते हो ब्लूटूथ स्टिचिंग की जो है ऑप्शन और गाड़ी का जो है वायरिंग का काम बहुत सुंदर करेंगे हम इस गाड़ी में और वहाँ अट्ठाईस अठारह गाड़ी जो है बन रही है उसका भी जो है जल्दी बॉडी का काम शुरू करने वाले हैं और बॉडी के काम में जो है सारा बहुत बरीकी के साथ जो है काम करके देते हैं पूरी सफाई के साथ छोटी छोटी बातों का जो है ख्याल रखा जाता है जैसे भी असली ट्रक में काम किया जाता है वैसा ही जो है इस गाड़ी में भी काम होता है और सीढ़ी का काम हम भी बाकी है वो भी हम करेंगे पूरा मज़बूत जो है सारा बॉडी का काम किया जाता है और आगे आने वाली हैं टाटा की दो से अठारह आएगी और अशोकली लैंड की अपनी सोलह चक्का टाटा की सोलह चक्का गाड़ी बहुत जल्द आपके सामने पेश करते हैं और अंदर से जो है कैबिन का काम आप देखते हो कैसे होता है बहुत बारीकी के साथ जो है सारा काम किया जाता है और एक मेन जो है ख़ास बात जो है वायरिंग का काम जो है इलेक्ट्रिक कर दिया है उसका जो है सर्कट वो मैं ड्राइवर साइड में जो है हमने कर दिया है वहाँ से जो है ऑप्शन निकल आएगी तार का जो वायरिंग जो है ब्लूटूथ सिस्टम की जो है साइड में है और वायरिंग का काम जो है वो ड्राइवर साइड में चला गया और सारी जो वायरिंग है इलेक्ट्रिसिटी हो गई है बैटरी का काम जो है निकाल दिया गाड़ी में और जब गाड़ी बन जाएगी तब जो मैं आपको सारा जो है दिखाने वाला हूँ कि कैसा काम किया गया है गाड़ी में तो यहाँ पर आप देखते हो गाड़ी का जो प्रैमर का काम है वो हो चुका है इसके बाद जो है पेंट का काम शुरू किया जाएगा और ये प्रैमर का काम जो है एक कोड होता है और नीचे दिल्ली जाला और यहाँ टूल बॉक्स पर जो है पेंट का काम नहीं होता क्योंकि यहाँ पर रेडियम का काम होगा और जहाँ जो है प्रेमर का काम नहीं किया गया वहाँ पर रेडियम का काम किया जाएगा और पूरी स्फाई के साथ जो है पेंट का काम होता है हमारे यहाँ एशियन पेंट जो है असली ट्रक में यूज़ यूज़ होता है वही हम यूज़ करते हैं बैक ढाला की बात करें तो यहाँ पर उसके ऊपर भी प्रेमर का काम हो चुका है ऊपर जो है पेंट के बाद में रेडियम का काम किया जाएगा और डाले के ऊपर भी जो है रेडियम का काम किया जाएगा और छोटी छोटी संगली का काम आप देखते हो पूरी बारीकी के साथ किया जाता है और नीचे आप देखते हो जाली के ऊपर जो है पेंट का, का काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी रेडियम का काम होने वाला है और उसके नीचे जो है बम्पर का काम है उसके भी ऊपर रेडियम का काम होगा और जल्दी ही जो है गाड़ी का काम कंप्लीट करके आपके सामने पेश करते हैं यहाँ पर आप देखते हो ड्राइवर साइड जो है गाड़ी का वो भी प्राइमर के साथ जो है फिनिश हो चुका है पेंट का काम का इस तरह भी होगा और यहाँ पर आप देखते हो दिल्ली जाड़ के ऊपर जो है पेंट का, का काम नहीं किया गया और यहाँ टंकी के ऊपर जो है फाइबर शीट जो है लगाई गई है इसके ऊपर जो है पेंट का काम नहीं किया गया है इसके ऊपर भी रेडियम का काम किया जाएगा कोई सीनरी में देखूँगा डिज़ाइन के साथ जो है लगाएंगे हम इसके ऊपर भी और वायरिंग का काम जो है वो इस तरह देते हो साइड लेंसर के अंदर जो है वायरिंग का काम है उसको जो है हम बाहर की तरफ वायर जो है निकाल देंगे और इलेक्ट्रिक जो है वायरिंग गाड़ी की हो जाएगी और ये था जी बॉडी का, का काम और प्रैमर का, का काम कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट जरूर करें लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मिलते हैं अगली गाड़ी के काम के भीतर और इस गाड़ी का फुल रिव्यू आपके सामने लेकर आते हैं तब तक के लिए मैं जी सिंह आपसे अलविदा लेता हूँ जय हिंद वंदे मातरम